हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और अभी तक जो हमने पढ़ लिया वो हमने चार टॉपिक पढ़े। पहला हमने पढ़ा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर हमने पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट पढ़ा। तो रिवॉल्यूशन सेम था जो हमने एडमिशन में पढ़ा है, और लास्ट हमने पढ़ा कि जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व होगा उसको बांट देंगे, यही पढ़ा है। तो जैसे हम एडमिशन में लॉन्ग क्वेश्चन बनाते थे एक साथ तीन अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वैसे ही यहाँ पर भी बनाने। तो ये आखिरी टॉपिक है इसमें जहाँ पर आपको तीन अकाउंट बनाने होंगे। लगभग बहुत कुछ आपका सिमिलर लगेगा एडमिशन जैसा, बस थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होगी। एक ट्रीटमेंट और गुडविल चेंज है, क्योंकि वहाँ पे लाता था पैसा, यहाँ अलग एंट्री इसी गुडविल की। और दूसरा जो लास्ट में हम हिसाब किताब करेंगे वहाँ पे चेंज आएगा, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम ही होगा जैसा लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। अभी आप देखोगे बहुत आसान लगेगा। दो क्वेश्चन देखते लिखा, कनिका दिशा और कबीर पार्टनर है, 2:1:1 का रेशियो है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 34। कनिका दिशा और कबीर है ना, रेशियो क्या इनका, 2:1:1। अकाउंट बनाते हैं, पहला अकाउंट आपको बनाना है रिवॉल्यूशन अकाउंट। हाँ, तीन अकाउंट बनेंगे वैसे जैसे पिछले में बनते थे। तो पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखेंगे। बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसा आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा। पहला आपको बनाना है रिवॉल्यूशन अकाउंट, दूसरा बनाएंगे आप बैलेंस शीट, और तीसरा बनाएंगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहली थी, पहला कनिका, K1 कर देते इसको, K1 फॉर कनिका, फिर दूसरे कौन है दिशा, और तीसरा है कबीर, K2 कबीर। कनिका, दिशा और कबीर, जो बना लेंगे हम वर्किंग नोट्स। जरा क्वेश्चन को अगर आप पढ़ो तो देखो, सबसे पहले लिखा है कनिका दिशा कबीर पार्टनर रिटायर कौन हो गई। तो कनिका जो है वो रिटायर हो गई है, कनिका हो गई आपके रिटायर। फिर लिखा हुआ है रिटायर फॉलोइंग, पहला पॉइंट लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1 एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे आपको गुडविल ऑफ फर्म दिया नहीं है। अगर गुडविल ऑफ फर्म दिया होता तो आप डायरेक्ट गेनिंग रेशियो निकालते, एंट्री पास कर देते। पर जैसे इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो गुडविल ऑफ फर्म दे रखा है 70,000, या इसके आगे वाले क्वेश्चन में देखो गुडविल ऑफ फर्म दिया होगा 90,000, एडजस्टमेंट में मिलेगा आपको। वैल्यू दिया ना कुछ गुडविल ऑफ फर्म की दी होगी, वैल्यू दे रखी है ना। बट इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि गुडविल ऑफ फर्म आपको दिया नहीं, वो एक्स्ट्रा काम है कि आपको निकालना है। इससे पहले जब आपने गुडविल वाले क्वेश्चन किए थे इसी चैप्टर में ट्रीटमेंट गुडविल, तो वहाँ सब में गुडविल ऑफ फर्म दिया था, पर यहाँ बोल दिया। तो देखते क्या बोला है, लिखा है गुडविल ऑफ फर्म जो वो 2 ईयर परचेज है पिछले 3 साल के प्रॉफिट का। तो दिक्कत पता है क्या, नीचे देखो सिर्फ 2 ही साल का प्रॉफिट दिया, दे रखा 2 साल का, लेकिन आपको बोला तो 3 साल है। हाँ, नीचे देखो 2 साल दिया ना नीचे। तो कभी भी कोई क्वेश्चन होगा जहाँ पे नीचे साल जितने दिए हैं जितना बोला उससे कम साल हो, तो ध्यान रखो उसमें एक बैलेंस शीट के अंदर भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस जरूर दिया होगा। तो बैलेंस शीट में देखो प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड में होता है तो लॉस होता है, लायबिलिटी साइड में होता है तो प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको किस में दे रखा है, एसेट्स में, तो आपका क्या एक तरह का लॉस है। तो 3 साल आपको पता चल गया, वर्किंग नोट बना लेते हैं। पहले आपने गुडविल की कैलकुलेशन करा, वर्किंग नोट फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहला काम आप इसके लिए निकालोगे एवरेज प्रॉफिट। तो नीचे प्रॉफिट बताओ कौन कितना कितना दिया है, 1,30,000, और ऊपर लॉस था एक साल में 20,000 लॉस, और डिवाइड बाई 3 होगा तो 70,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल हो जाएगा 70,000 × 2, 2 ईयर परचेज था, तो देखो 1,40,000 गुडविल ऑफ फर्म आ गया, कोई दिक्कत, गुडविल ऑफ फर्म आ गया। अभी हमने पढ़ा था जब हमने ट्रीटमेंट गुडविल पढ़ा था कि गुडविल ऑफ फर्म आने के बाद आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो दिशा और कबीर का निकलेगा, न्यू रेशियो देखो कहीं दिया, न्यू रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो का क्या था 2:1, और ये चला गई, और नया रेशियो गिवन है क्या ना, देखा फर्स्ट टाइप इसका मतलब, तो 1:1 हो गया न्यू रेशियो, एक को गैप कर दिया हमने। तो न्यू रेशियो है 1:2, 1:2, और ओल्ड था 1:4 और 1:4, तो माइनस करके 1:4 और 1:4 आ गया, दोनों ही गेन कर रहे हैं।
एंट्री है गेनिंग टू सैक्रिफाइजिंग, यानी दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कनिका कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत एंट्री में? कनिका का शेयर आएगा 140,000 में 2/4 यानी 70,000 और इनका आएगा 140,000 में, इन्होंने कितना कितना गेन किया है 1/4 1/4, तो दोनों का तो सेम ही आ जाएगा कि सेम ही है, तो 35,000 और ये आपकी एंट्री होगी। इसमें कोई दिक्कत है बताओ? ठीक है एंट्री गुड बिल्कुल। अगर आप एंट्री में देखो तो दिशा और कबीर को आपने डेबिट किया है और कनिका को क्या किया है, तो बस पोस्ट कर दो दिशा और कबीर डेबिट है, दिशा भी डेबिट है 35,000, कबीर डेबिट है 35,000, लिखेंगे नाम कनिका कैपिटल, कनिका कैपिटल और कनिका क्रेडिट कितनी है, तो इसको हमने 70 क्रेडिट कर दिया, दिशा एंड कबीर कैपिटल, दिशा एंड कबीर कैपिटल, ठीक है K2 मतलब कबीर है। कोई दिक्कत एंट्री में? तो देखो ये एंट्री आपकी चेंज है गुडविल की, क्योंकि एंट्री अलग थी, दिशा और कबीर डेबिट थे तो आपके आपने इनके डेबिट में लिख दिया और कनिका क्रेडिट थे तो कनिका के क्रेडिट में लिख दिया। कोई दिक्कत है? पहला पॉइंट क्लियर। अब उसके बाद बाकी एडजस्टमेंट वैसे ही मिलेंगी, लगेगा कि आप पिछला चैप्टर ही पढ़ रहे हो। देखो अगला क्या लिखा है, फिक्स एसेट्स इंक्रीज टू 3 लाख, मतलब फिक्स एसेट्स बढ़ के 3 लाख हो गया, पहले फिक्स एसेट्स है कितने का 240 से 3 लाख हो गया, तो बढ़ा कितना, तो 60,000 जो बढ़ गया वो रिवॉल्यूशन में आ जाएगा बाई फिक्स एसेट्स और नई वैल्यू आप उसको बैलेंस शीट में लिख दोगे फिक्स एसेट्स की 3 लाख रुपए। कोई परेशानी इसमें? ठीक है पॉइंट। अगला पॉइंट लिखा हुआ है स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 120%, स्टॉक जो वो 120% हो गया, 120% का मतलब होता है कितने का स्टॉक, 1 लाख का 120% यानी 1,20,000 का हो गया, यानी बढ़ कितना गया 20,000, तो जितना बढ़ गया वो यहाँ आएगा स्टॉक 20,000 रुपये बढ़ गया, मतलब 20,000 बढ़ गया और नई वैल्यू स्टॉक की आ जाएगी 1,20,000। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? अगला पॉइंट क्या है? देखो लिखा है अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। देखो ये लाइन फालतू में दी है, क्यों दी अभी मैं आपको बताऊंगा, कि ये लाइन नहीं भी होती तो भी इसका कोई रोल ही नहीं था, तो लाइन बेवजह की, इसका कोई मतलब नहीं है अभी, क्यों अभी थोड़ी देर में आपको आंसर मिल जाएगा इसका। सारी एडजस्टमेंट खत्म, एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद आप क्या करते हो, रिवॉल्यूशन अकाउंट का टोटल कर लेते हैं हम, तो अगर हम इसका टोटल करें तो देखो 80,000 हो गया, तो आपको प्रॉफिट हो गया, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट कितने का 80 का, पार्टनर कौन है कनिका दिशा और कबीर, रेशियो क्या था 2:1:1 यानी 40, 20 और 20। अब ये प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर दोगे चार कैपिटल अकाउंट में बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 40, 20 और 20। यहाँ तक परेशानी? इसके बाद हम क्या करते हो बैलेंस शीट देखते हैं, तो लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करो, सबसे पहले क्या लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं था, जैसा था वैसे ही बैलेंस शीट में लिख दो कितना क्रेडिटर 53,000। उसके बाद एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटीज होती है कितना अमाउंट है 47,000। उसके बाद क्या है आपका कैपिटल का बैलेंस, तो कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आएगा बाई बैलेंस बीडी, पहले वाले का कितना कनिका का 2 लाख रुपीस, दूसरे का और तीसरे का 80,000। कोई परेशानी यहाँ तक? एसेट साइड खत्म, लाइबिलिटी साइड खत्म, अब आ जाओ एसेट्स में। एसेट्स में क्या दिया पहला बैंक, देखो यहाँ पे ना बैंक चेंज नहीं होता, कितना अमाउंट है बैंक का 60। देखो यहाँ याद रखना एडमिशन में क्या होता था कि कोई बंदा आता था तो पैसा लाता था, बैंक चेंज होता था हर क्वेश्चन में, रिटायरमेंट में तो कोई आ नहीं रहा तो पैसा तो ला नहीं रहा, तो यहाँ बैंक तभी चेंज होगा जब आप पेमेंट करोगे, और पेमेंट करोगे तो नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होगा कि हम रिटायर पार्टनर को इतना पैसा पे कर रहे हैं। इसमें कहीं लिखा था पेमेंट के बारे में? नहीं लिखा था, हम पेमेंट करते ही नहीं है, क्या करते हैं बताऊंगा, तो इसलिए आपका बैंक चेंज नहीं हुआ। उसके बाद डेटर कितना है 60, उसके बाद स्टॉक हो गया, अगला हो गया एसेट साइड में पीएनएल देने का मतलब लॉस है कितना अमाउंट है इसका, तो 10,000, 5,000 और 5,000। सारी चीज़ें ख़त्म। अब ध्यान से बंदा बात आपके आखिरी वो जो था ना कि एडजस्टमेंट फालतू है क्यों है, तो देखो
देखो जो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो बंदा रिटायर होता है उसकी टोटलिंग करते हैं। तो रिटायर कौन हुआ है? कनिका। तो देखो ये 3,10,000 और घटा के बैलेंस कितना बच गया, 3,00,000 रुपये का इसका बैलेंस बच गया। तो याद रखना क्वेश्चन में क्या होगा, या तो लिखा होगा कि आपने इतना पैसा दे दिया, तो अगर पेमेंट लिखा होता तो आप यहाँ लिखते टू बैंक और फिर वो बैंक में से माइनस हो जाता, या टू कैश और कैश में से माइनस हो जाता। पर ये कब होता, जब आपके क्वेश्चन के अंदर लिखा होता कि आपको पेमेंट करनी है, पर यहाँ तो लिखा नहीं है। तो कभी भी अगर पेमेंट ना लिखा तो हम इसका मतलब मानते हैं कि हम बाद में पैसा देंगे, तो उसका पैसा चले जाता उसके कौन से अकाउंट में, लोन अकाउंट में। तो हम भेज देंगे कनिका लोन अकाउंट, हम बाद में पैसा देंगे इसलिए कहाँ जा रहा है, कनिका लोन अकाउंट। और इसका लोन लाइबिलिटीज में आ जाएगा, कनिका का लोन, कनिका लोन अकाउंट। तो देखो वो जो लास्ट लाइन लिखी थी ना कि उसका पैसा लोन में ट्रांसफर कर रहा है, तो फालतू में लिखी थी, नहीं लिखा होता तो भी तो आप लोन में ही ट्रांसफर करते, पेमेंट लिखा हो तब तो कुछ बात है, वरना तो लोन में करना ही करना है। इसलिए वो लाइन क्या थी, बेवजह की थी, क्योंकि उसका मतलब कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि वो तो आप करते ही करते हो। तो याद रखना पेमेंट अगर लिखा होता, सपोज को लिखा होता कि हमने 50,000 रुपये पे करा एग्जाम्पल फॉर, तो यहाँ लिखते टू बैंक 50, फिर कितना बच जाता, 2,50,000 रुपये उसके लोन में बच जाता। और फिर जब यहाँ दिखाते तो 2,50,000 यहाँ दिखाते और जो 50 पे करा वो यहाँ बैंक में से माइनस हो जाता। लेकिन बैंक में से आप अपने आप नहीं करोगे, पेमेंट के लिए लिखा होगा तब करना है, वरना सारा का सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, उसके लोन में, और लोन चले जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ के नाम से। ये बात क्लियर है? और बाकी दोनों का निकाल दोगे बैलेंस सीडी नॉर्मली जैसे निकलता है। तो इसका देखो कितना है, 1,20,000, इसका कितना है, 1,20,000 और 1,00,000। जो घटाएंगे 40 तो 60 इसका हो गया, 80 इसका हो गया, ठीक है ये 40 है। अब इनका कैपिटल का बैलेंस क्या लिख दोगे, कैपिटल किसका, दिशा और कबीर का, 80 पहले का था और 60 दूसरे का। इसके बाद टोटल कर दोगे, ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इक्वल है तो आपने ठीक कर रखा है, वरना गलत। तो यहाँ तो इक्वल ही आ जाना है। पाँच लाख 40,000 और ये भैया 2,3,4,5,40,000। इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो जाता है खत्म। इसके अलावा इसमें अगर जनरल एंट्री पूछेगा तो वैसे जनरल एंट्री रिवॉल्यूशन की आप जानते हो, इसकी एंट्री होगी आपकी क्या कहते हैं, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, इसको जाएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कनिका कैपिटल, दिशा कैपिटल और क्या नाम है इसका, कबीर कैपिटल, रिवॉल्यूशन हो गया। बैलेंस शीट से एंट्री होती है, इसके बाद गुडविल की एंट्री आप कर ही चुके हो अगले पेज पे, उसके बाद ये प्रॉफिट हो गया, उसके बाद ये कहते हैं लॉस बैटिंग एंट्री, दिशा कैप कनिका कैपिटल, दिशा कैपिटल, कबीर कैपिटल टू पीएनएल, और लास्ट में इसका पैसा लोन में ट्रांसफर किया तो कनिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिका लोन, इतनी एंट्री होंगी, ठीक। तो एंट्री पुराने जैसी है, तो ये पूरा प्रोसेस है जो ऑनलाइन बच्चे देख लो। ये पहला स्क्रीनशॉट लो, पहला एक आपका है रिवॉल्यूशन अकाउंट, दूसरा आपका ये बैलेंस शीट, तीसरा ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये आपका वर्किंग नोट्स। तो क्वेश्चन लगभग आपको पीछे जैसा ही लगेगा, एडजस्टमेंट्स भी ऐसे ही मिलेंगे आपको, इस तरीके का आपका क्वेश्चन करना है। पेमेंट इस क्वेश्चन में नहीं थी, किसी क्वेश्चन में पेमेंट लिखी होगी कुछ थोड़ा पेमेंट कर देंगे, पेमेंट का समझ गया ना क्या होगा, पेमेंट अगर लिखा होगा तब करना होगा। तो जो पे करें यहाँ डाल देंगे, जो भी पेमेंट लिखेगा यहाँ डाल देंगे टू बैंक के नाम से या कैश के नाम से, यहाँ पेमेंट आ जाएगा और बाकी बच जाएगा लोन में। और जो भी पेमेंट करेंगे हम, वो पेमेंट का इफेक्ट होगा कि वो बैंक से यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसके साथ आपका लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होता है। आपको आप करना आराम से, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। बाय बाय।